और बात करेंगे जबलपुर में आज होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, और कॉन्क्लेव में देश विदेश के उद्यमी जुटने वाले हैं। यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। दरअसल 5 सेक्टर्स पर फोकस रहेगा, जिसमें एग्रो, माइंस, डिफेंस, टूरिज्म, गारमेंट्स क्लस्टर पर बातचीत होगी। कॉन्क्लेव के लिए करीब 3,500 इन्वेस्टर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और इसमें आज प्रदेश को कई बड़े मौके निवेश के संबंध में मिलने वाले हैं, और साथ ही रोजगार के भी नए अवसर यहां पर सृजित होंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। और करीब 3,500 के आसपास जो उद्यमी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, ये कॉन्क्लेव कितना महत्वपूर्ण है, क्या इसके विषय रहेंगे और कैसे ये काम करेगा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए? बिल्कुल, देखिए सरकार ने एक नया प्रयास किया है कि रीजनल स्तर पर अब जो है इन्वेस्टर समिट कराया जाए, इन्वेस्टर कॉन्क्लेव कराया जाए, और उसी क्रम में आज जबलपुर में मध्य प्रदेश का दूसरा रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जो कि महाकुशल क्षेत्र पर पूरा फोकस रहने वाला है। खासतौर पर 5 जो सेक्टर इंडस्ट्रीज के, जिनमें मिनरल्स है, माइनिंग है, डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, शिक्षा आधारित उद्योग हैं, हेल्थ से रिलेटेड उद्योग हैं, इन पर फोकस रहेगा, और इससे संबंधित बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो मध्य प्रदेश में आएंगी और खासतौर पर महाकुशल में इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचेंगे, सुबह 10 बजे इस पूरे समिट का वो शुभारंभ करेंगे। 3500 से अधिक देश और विदेश के जाने माने जो उद्योगपति हैं वो इस पूरी समिट में हिस्सा लेने पहुंचेंगे, जिनके साथ सीएम 1-to-1 चर्चा भी करेंगे, संवाद भी करेंगे, कई एमओयू साइन होंगे, कई प्रस्तावों को हरी झंडी आज मिलने वाली है। सरकार के कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रोजेक्ट किया है उद्योगपतियों के सामने कि हमारे पास अच्छा लैंड है जिसपे आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हमारे पास क्योंकि माँ नर्मदा वैली है ये पूरा इलाका, तो पानी की कोई समस्या नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। जबलपुर देश का एक सेंट्रलाइज्ड सिटी मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, रेल कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, और रोड कनेक्टिविटी तो है ही बेहतर। प्रदेश के कई बड़े शहरों से यहाँ की सीधी कनेक्टिविटी है, देश के कई बड़े शहरों से यहाँ पर सीधी कनेक्टिविटी है, और इसी के चलते ये जो पूरा इलाका है ये इंडस्ट्रीज के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाता है। तो देखना होगा आज जो निवेश है वो कितने हजार करोड़ों में आता है, और उससे आने वाले समय में जबलपुर को, संस्कारधानी को और पूरे महाकौशल को कितना लाभ पहुँचता है। जी जी बिल्कुल, और वासु आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे बातचीत आपसे करेंगे। और चूंकि ये जो कार्यक्रम है ये इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा बिल का पत्र साबित हो सकता है। बढ़ते आगे, भोपाल में आज बीजेपी और आरएसएस की एक बड़ी बैठक होनी है। दरअसल आज बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक होनी है, जिसमें संघ, संगठन और सरकार के प्रमुख नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में शामिल होंगे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल यहां मौजूद रहेंगे। संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा यहां मौजूद रहेंगे। जबलपुर से लौटकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक में सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर चर्चा होनी है, सरकार के कामकाज को लेकर रणनीति बनेगी, और इसमें क्या कुछ डिटेल्स रहेगी, क्या कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई, इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी से। और वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आज बीजेपी और आरएसएस एक बैठक करने वाले हैं, क्या विषय रह सकते हैं इस बैठक के, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं, कितने बजे से बैठक होनी है, कौन कौन आने वाले हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए आरएसएस जब भी कोई बैठक में बीजेपी के साथ शामिल होता है तो उसमें निश्चित तौर पर एक प्रमुख एजेंडा यही होता है कि जो मूल विचारधारा है, जिन आदर्शों को लेकर पार्टी बनी और जिन आदर्शों पर लगातार हमें काम करना है, उनको लेकर चर्चा होती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि संगठन के बीच और सत्ता के बीच किस तरीके से समन्वय हो, और यही समन्वय को और मजबूत करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए जो पूरी बैठक है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर आप देखें तो ये बैठक बेहद अहम है, बेहद खास है, क्योंकि लगातार बीजेपी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई आई है, फिर चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव की बात हो और फिर उसके बाद अमरवाड़ा के उपचुनाव की बात हो, इन सभी चुनावों को जीतने में बीजेपी कामयाब हुई है और बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुई है। और अक्सर ये कहा जाता है कि बीजेपी की जीत में, बीजेपी की सफलता में आरएसएस का एक बड़ा योगदान होता है, इंपॉर्टेंस होता है, अहम होता है। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि बीजेपी का थिंक टैंक आरएसएस है, जो आरएसएस नीतियां बनाता है बीजेपी उसे फॉलो करता है और इससे बीजेपी को काफी ज्यादा मदद मिलती है।
जाती है, तो लिहाजा ये बैठक जो है वो बेहद खास हो जाती है और संघ के आगामी कार्यक्रमों को लेकर, बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर इस पूरी बैठक में रणनीति तैयार होगी और तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों या फिर संघ के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, वो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे और विस्तृत रूप से आने वाले समय की जो कार्ययोजना है उसको बनाने का काम किया जाएगा। जी आशीष, बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे इस बैठक के संबंध में भी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बढ़ते हैं आगे और